मन चाहते हैं। भाई साहब को देखिए आप, कि केवल फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो, पगला उगला है काजी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं राजीव आर्या और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवलर आर्या को। तो आज एक नई जर्नी होने वाली है और अभी हम हैं पटना जंक्शन यानी कि पटना में, और यहां से हम सफ़र जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं पटना बनारस जनशताब्दी से। इसका कोड है 15126। तो चलिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोर है तो अंदर जाते हैं और सारा डिटेल्स जो है आपको बताते हैं। तो ये तो ब्लॉग जो होने वाला है ना, बहुत ही झक्कास होने वाला है। और मेरे साथ है मेरे बड़े भैया अभिमन्यु यादव, और मेरे साथ जा रहे हैं, हमको लेकर जा रहे हैं बनारस बाबा की नगरी में और वहाँ पे दर्शन कराएंगे। तो उसका भी ब्लॉग आएगा, अगला ब्लॉग जो आएगा उसी का आएगा। तो अभी टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं और हमें ट्रेन को ढूँढनी है। सबसे पहले हम ट्रेन को ढूंढेंगे, उसके बाद फिर आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताएंगे। हमारी जनशताब्दी जो है वो प्लेटफॉर्म संख्या 6 पे लगी हुई है। तो ये रही हमारी ट्रेन बनारस पटना, और अब हम अंदर जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि क्या है अंदर का प्लान। हो तो कुछ इंटीरियर कुछ ऐसा है, हर एक जनशताब्दी से अलग है, कुछ डिफरेंट लगा। सीट कंफर्टेबल लग रहा है मुझे, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। तो ये रही हमारी सीट, और इसके बाद ये चार्जिंग प्लग है, सॉकेट है, फ़ैन का है, और विंडो तो मिल ही गया। हाँ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, फिर भी जो भी आएगा तो बोल देंगे बैठने के लिए। और अंदर का इंटीरियर अभी जनशताब्दी से कुछ अलग है, काफ़ी अलग है। सीट का जो सीटिंग स्टाइल है वो काफ़ी अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो अच्छा लगा ये जनशताब्दी में। और बाकी हमारे भैया पूरा एकदम यहाँ अपना नल है, मिरर है, बेसिंग है। गुरु कबीर मन चाहते हैं भैया। तो जनशताब्दी जो है प्रत्येक दिन पटना जंक्शन से 17:20 पे खुलती है, और सेम डे ये पहुंचाती है आपको बनारस, वो पहुंचाती है 22:15 पे, यानी कि 10:15 रात्रि में। और ये ऑल डे मतलब प्रत्येक दिन है, कोई मतलब सोमवार को या मंगलवार को या शताब्दी, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि रविवार को बंद रहते हैं एक दिन वीक में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टोटल डिस्टेंस 233 किलोमीटर तय करती है, और टोटल टाइम जो लगाती है 4:55 लगाती है। तो बस टाइम हो ही गया है और हमारी जनशताब्दी पीछे लगी हुई है, तो अब निकलेगी। सामने जो आप रूट देख रहे हैं ना, वो रूट है गया जाने के लिए, गया रांची वगैरह जाने के लिए। चार होगा, तीन होगा, तीन होगा।
तो भैया यहाँ बहुत भीड़ है और अभी पहुँच गए आरा जंक्शन। आरा का जो बोर्ड है ARA है, वो बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा। तो आरा से जो ऑरिजिनेट ट्रेन की संख्या 5 है, टर्मिनेट की 5 है, हॉल्टिंग ट्रेन जो है 126 और जोन जो आता है ECR में आता है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी क्राउड वाला स्टेशन है। तो फिलहाल अभी आ गए हैं बक्सर, और ये बिहार में पड़ता है एक प्रॉपरली बक्सर ज़िला, और इसके बाद आएगा अभी उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी तो दीनदयाल उपाध्याय। उसके पहले भी एक स्टॉपेज है दीदारगंज का, दीदार नगर, तो वहाँ पे रुकेंगे। बक्सर का जो कोड है BXR है, प्लेटफॉर्म 3, ओरिजिनेट ट्रेन की संख्या 4 है और टर्मिनेट की 4 है। हॉल्टिंग ट्रेन की बात करें तो 112 और जोन ECR में आता है। हमारी ट्रेन ग्रीन सिग्नल हो गई है और हमारा दोस्त कब से फ़ोन पे ही लगा हुआ है। हाँ दोस्त, तो भाई साहब पहुंच गए हैं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और इसे DDU से भी जाना जाता है, यानी कि इसका कोड है, और इसका पुराना नाम जो है वो है मुगल सराय, और इसका जो राइट टाइम है वो है आपको 20:55 बिफोर पहुंचाइए अभी फिलहाल। और दूसरी बात है, यहाँ प्लेटफॉर्म 8 है, जोन ECR में आता है, और इसे 1862 में ओपन किया गया था। बहुत ही बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है, बहुत ही ज़्यादा बिजी है, बहुत ही ज़्यादा। और इस ट्रेन का उत्तर प्रदेश में दूसरा स्टॉपेज है, पहला स्टॉपेज था दीदार नगर, तो वहाँ पे रुकी थी लेकिन ज़्यादा डिले थी वहाँ पे, 5 मिनट तो तुरंत खुल गई। और दूसरी बात है, यहाँ पे भी फोर पहुँचा दी है, तो यहाँ पे कुछ लेते हैं पानी वानी, और अंदर भाई बैठे हुए हैं तो जाएंगे वहीं पर। तो लिए हैं पानी और दो माजा, इसको पियेंगे। काफ़ी गर्मी लग रही है भाई, काफ़ी ज़्यादा, तो कुछ करना पड़ेगा। तो इस भाई साहब को देखिए आप, कि केवल फोटो ही फोटो, पगला उगला है काजी आप, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब। हाँ कितना गर्मी है? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, आसपास भी गर्मी है, मतलब समझ रहे हो ना। तो धीरे धीरे हमारी ट्रेन निकल रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं बनारस की ओर, काशी की ओर। तो चलिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, देखते हैं कि क्या है।
और बहुत उत्सुकता है मेरे मन में कि बनारस है कैसा। तो भैया ये देखिए घाट की खूबसूरती। बहुत खूबसूरत है भाई, क्या लाइटिंग है भाई। ओ भाई साहब नहीं है तो भैया पहुँच गए काशी, और अभी काशी रेलवे स्टेशन क्रॉस किए हैं। घाट तो आपने देखा ही, बहुत खूबसूरत था। तो अभी आएगी वाराणसी जंक्शन, उसके बाद बनारस, वाराणसी में रुकेगी भी। तो भाई साहब हमारी ट्रेन बगल में लगी हुई है और हम पहुंच गए वाराणसी जंक्शन। इसके बाद ये ट्रेन जाएगी बनारस, यानी कि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और यहाँ लिखा है स्टेशन काफ़ी खूबसूरत लगा, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत मतलब एक्सपेक्ट नहीं करा था, लोग कहते थे कि हाँ थोड़ी गंदगी है। शहर भी काफ़ी अच्छा दिखा, जैसे कि दिख रहा था। और मैं दिखाता हूँ एक चीज़ जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्लेस है, आई लव डैस। यहाँ पे बनारस भर दो, रांची भर दो, या पटना भर दो, दिल्ली भर दो, जो भी भरना भर दो, मेरा बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो काफ़ी सही है और काफ़ी सुंदर बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। पीछे आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में कितना क्लियरिटी है ना, और कितना क्लीन और नीट है, क्या ही बताएं। तो बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को देखने पे। पर आके तो गुटखा उतरे। तो भैया वेलकम टू वाराणसी, बनारस या काशी। और बात यही है, तो जो भी है बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है और पैसा का खेल है क्या। इधर देख रहे हो खूबसूरती, देखो भाई दिखाते हैं आपको, देखो खूबसूरती, देखो कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है। ये देखो भाई साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और बाहर से जो खूबसूरती है ना बनारस रेलवे स्टेशन की, यानी कि वाराणसी की, ये देखो जबरदस्त। तो चलिए फिर अब बारी है बनारस को एक्सप्लोर करने का और देखने का, घुमाने का, आपको बताने का। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।